हम दर्द का रोल भी निभाता है, यानी कि रिश्तों में जब जाएंगे तो परमेश्वर के रिश्ता समझ आ जाए तो हम लोग कभी भी बुड़बड़ाने वाले नहीं, सिर्फ उसके मुक्ति के काम को देखेंगे। कोई भी मुसीबत आ जाए घबराने वाले नहीं, पता है वो ऐन वक्त पर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। कौन से वक्त पर? पूरे समय पर, जब हमें को ये लगेगा हम गए, वहां पर यदि बुड़बड़ाए नहीं तो लिखा है कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। क्यों रखता है? जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने पुत्र होने का हक दिया। हालेलुया। अब जिसने पुत्र होने का हक दिया, ये रिलेशन कायम किया, वो छोड़ने वाला है जी? नहीं जी। हमारा दिमागी भाव तो वहां पर बैठा बैठा हमको एक पल में छोड़ गया, ये छोड़ने वाला है? ये ना कभी पैदा हुआ और ना कभी मरेगा। हालेलुया। कैसा जबरदस्त रिश्ता है। जब उसने हमको पुत्र बना लिया, उसके घर में हमने जन्म ले लिया, एक रिश्ता कायम हो गया, तो फिर बच्चा जो है ये कहता है जी कि मेरे के लिए ये करो, मुझको तुम डॉक्टर बनाना, मुझको इंजीनियर बनाना। ये तो पैदा होने वाला था, अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब शादी हुई थी ना, तभी से अंदर ही अंदर माँ बाप के एक प्लान चलना शुरू हो जाता है। हमारे घर संतान होगी, यदि लड़की होगी तो उसे क्या बनाएंगे, यदि लड़का होगा तो ते बच्चा जब पैदा होता तो कहता बीबी दूध दे, वो कहना मेनू कपड़े पाओ। नहीं, किसकी जिम्मेवारी? जिसने रिश्ता देकर उसे इस जहान में लाया है ना, सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी है? उसी की है। तो जब उसके घर में हम लोगों ने जन्म लिया, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, तो उसने हमको अपने घर में जन्म दिलाया, हमको पुत्र होने का हक दिया। अब हमारा क्या काम है? पिता की गोद में आकर बैठना है। हालेलुया। बाकी सारे का सारा काम किसका है? पिता को पता है कौन से समय पर इसको किस चीज की, और वो समय पर ही देगा। हालेलुया। किसी की तमन्ना थी कि जब जिस दिन मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ उसी दिन मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत गाड़ी लेकर आऊंगा अपने बेटे के लिए। तो जैसे ही बेटे ने जन्म लिया वो बेशकीमत गाड़ी लेकर घर में आकर रख दी। जैसे ही बेटा 5-6 साल का हुआ उसे लोगों ने बताया जब तू पैदा हुआ तो तेरे डैडी ने तेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती जो गाड़ी है वो ली थी। वो अपने डैडी के पास गया, भागता हुआ, बोलता डैडी चाबी दे, बोलता क्यों? बोलता कार मेरी है। तो चाबी तूने अपने पास क्यों रखी हुई है? मेरी गाड़ी है और तू मुझे दे। डैडी ने बोला बेटा गाड़ी तेरी है, चाबी भी तेरी है, लेकिन चाबी तुझे दी उसी वक्त जाएगी जब तू उस गाड़ी को चलाने के योग्य हो जाएगी। हम लोग जिस चीज के योग्य नहीं है उसकी चाबी मांग रहे हैं। जिसने रिश्ता कायम किया है वो हमारा नाश चाहता, वो उसी वक्त चाबी देगा उस चीज की जिस वक्त उसको पता होगा ये बंदा इस काबिल, उतनी देर तक देगा। कितने कितने प्रीस्ट हैं उनको 50-50 साल प्रचार करते होते हो गए हैं, अभी तक उनको कलाम सुनाना आया नहीं है। आया नहीं, क्यों? क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचे नहीं जहां जाकर परमेश्वर कलाम की चाबी उन्हें दे देता। ले बेटा बोल। हालेलुया। कई लोग बेचारे बदरूहों के आगे तरले भी मारते रहते, अंत में जाकर ये भी कहते रब दे वास्ते निकल जा। वो निकलती नहीं। वो निकलती नहीं। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उस लेवल तक जहां पर पहुंचकर उन्होंने बदरूहों को डांटना था वो चाबी अभी दी गई नहीं। कुछ लोग झूठियां ही भविष्यवाणियां कर देते हैं, जो पूरी होगी तो जय जयकार, नहीं तो ना सही। कहना कि तेरा विश्वास नहीं, विश्वास नहीं सही। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भविष्यवाणी करने की चाबी परमेश्वर ने अभी दी नहीं। हालेलुया। भविष्यवाणी से एक और बड़ी चीज है जो से कहा गया हमारा विश्वास। हालेलुया। जिस पिता ने मुझको पुत्र बनाया वो मेरे किसी बोल को मिट्टी में मिलने मिट्टी में मिलने नहीं देगा। मैं ईमान से जो कह दूंगा वो सुनेगा और उसके ऊपर काम कर देगा। हालेलुया। सरी में जिस बहन के घर में मैं गया था
उस बहन को मैंने जाने से पहले बता दिया था, उनका जो पति था वो अभी पूरी तरह ईमान में नहीं था, उसकी इच्छा थी कि जैसे हम लोग भी बाइबल घर में बाइबल पढ़ते हैं दुआ करते हैं वैसे वो भी करे। तो मैंने उस बहन को कहा, बहन जी आप दुआ करो, यदि खुदा की इच्छा हुई तो मैं आऊंगा, और आप दुआ करो और खुदा उसे एक बार सिर्फ बिठा दे बंदगी में, क्योंकि लेकर कौन आता है, लिखा है यीशु मसीह के बोलता मेरे पास कोई आता नहीं, मेरा बाप लेकर आता। तो मैंने उस बहन से कहा बस परमेश्वर उसे एक बार बंदगी में ले आए, जैसे ही वो उसकी आवाज सुनेगा उसका जीवन जो है वो बदल जाएगा, ये लिख लो। हम लोग वहां पर गए, आज उस बहन से 3 बार बात हुई है, बोलती है मेरी जिंदगी के सबसे बड़े खुशी के दिन हैं, जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा ही हमारे घर में हो गया। उसकी बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी, दोनों बेटियों को नौकरी के भी काम जो है वो क्लियर हो गया। So, परमेश्वर जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, उसमें हमारी कोई खूबी को लियाकत है। हमने तो सिर्फ ये समझेगा कि मैं उसका पुत्र हूं और कुछ कहने लगा हूं, तो अब मेरे लफ्ज की लाज किसने रखनी है, मेरे पिता ने रखनी है। हालेलुया, वो मेरा पिता फिर सब कुछ करने की जरूरत है और ताकत है रखता है। मुझको पता है मेरे बाप ने, जो जिस्मानी मेरा बाप था ना, उसने जैसे मैंने कभी कोई अचानक भी मुंह से बात की वो मेरे लिए काम करता था। किसके लिए? मैंने कभी बचपन में काम गुम नहीं किया था जल्दी कहीं, ये लोग चले जाते थे, लाला जी ने तो बहुत काम किया, तो मैं तो अपनी मर्जी से दिल किया तो गया, नहीं तो पुठे काम बहुत किते, लेकिन जिन्होंने काम किया वो नहीं किया, पुठा काम कोई छड़िया भी नहीं। तो क्या हुआ कि मेरा बाप मेरी बातों को पूरा करने के लिए मुझको कहता था तू पढ़ा रहे, मैं जाता हूं काम करने के लिए। हालेलुया। तो यदि दुनिया का बाप इस हद तक विचार करके अपने पुत्र के लिए ये सब कुछ कर सकता है जिसके साथ उसका बाप बेटे का रिलेशन है, तो हमारा जिस खुदा के साथ रिलेशन है वो कितना दया से भरा हुआ होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करते हैं, बाकी कल को देखेंगे। धन्यवाद पिता जी, तेरा शुक्र, सचमुच तूने हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम किया है जो कभी टूटने वाला नहीं, और जैसे तू इस रिलेशन को तोड़ता नहीं, तू अपने किए हुए वायदे को भूलता नहीं खुदा, वैसे तू हमें भी बख्श के हम लोग भी उस रिश्ते को उतनी ही मजबूती से निभा सके जितनी मजबूती से तू निभाता है खुदा, क्योंकि रिश्ते तभी अपने शोर तक पहुंचते हैं खुदावन जब वफादारी दोनों तरफ से हो। सो बख्श के ये वफादारी जैसी तू दिखाता है खुदावन, वैसी ही वफादारी तेरे साथ हम भी कर सकें, ताकि ये रिश्ता एक मिसाल बने। हम इसराइल की तरह बुड़बड़ाने वाले ना हों जो उस रिश्ते को समझ ना पाए खुदावन, बल्कि हम नया जन्म पाए हुए लोगों की तरह जो तेरे घर में जन्मे हैं खुदावन, जैसा तू वफादार है वैसा तेरे साथ वफादार है, तू दया कर खुदा, तेरी कृपा तेरे लोगों पर हमेशा बनी रहे खुदा, तेरे नेक इरादे हम सबके जीवन में पूरे हों, हम भी वफादारी के साथ तेरे साथ इस रिश्ते को निभाएं खुदावन, और जो तूने इस जहान में, इस कलीसिया में, परिवार में और इस दुनिया में हमारे रिश्ते बनाए हैं खुदावन, yes, उन रिश्तों को भी हम उसी तरह वफादारी के साथ निभा सके, और ऐसी वफादारी से निभाएं खुदावन कि जैसा विरोधी ने आकर बागे अदर में किया, उस विरोधी का हम सामना कर सके खुदावन, ऐसे मजबूत रिश्ते हो जाए, तू yes, दया कर, हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम। हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे सब लोगों नू तेरे तखत अगे लैके आउंदे हां, भाई बलदेव दे नाल मिलके उन्हां सारे लोगों नू याद करदे हां, कलीसिया दे लोगों नू, कनेडा दे लोगों नू, सरी दे लोगों नू, टोरंटो दे लोगों नू, जर्मनी दे लोगों नू, इटली दे लोगों नू, दुबई दे लोगों नू, इंडिया दे लोगों नू, उन्हां सारे लोगों नू, फ्रांस दे लोगों नू, इंग्लैंड दे लोगों नू याद करदे हां, उहदे तखत अगे लैके आउंदे हां खुदा, उन्हां दी जिंदगी दे विच
अपने नेक इरादे ने पूरा करे। सर्वशक्तिमान आदर जो परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दे। हालेलुया। तेरे वचन सार से इकट्ठिया होके प्रभु धन्यवाद दे बलिदान चढ़ाया पिता भजन कीता त्रेदा दे सिले वचन सिखिया प्रभु तेरा शुक्र कर दे साडी जिंदगी एक रिश्ते रूप बने प्रभु और महान पिता परमेश्वर दुआ करने दे दास ने किया पिछले समय तो करते आ रहे प्रभु तेरा शुक्र कर रहे कर जा रहे भाई बलवीर के परिवार से वड्डी कृपा कर भाई बवन हन दे परिवार से वड्डी कृपा कर ओ पॉल के परिवार से प्रभु जी वड्डी कृपा करो भाई राज के परिवार से भाई दिलीश के परिवार से भाई पीटर के परिवार से और भाई विजय के और भाई महान पिता परमेश भाई जस्से से भाई लक्की से भाई विलियम से अपनी आशीष में बनाई रखो अपने भवन न जोड़ के रखो पिता और जिनी कलीसिया से पिता धरती पर रह के पवित्री महिमा कर रही प्रभु उन्होंने संभालो अपने भवन न जोड़ो अपने भवन जोड़ के अपने दास आप सिले प्रभु उन्होंने जिंदगी बदलो पिता परमेश तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं जो पिता कनेडा तो पिता परमेश संगत है प्रभु उन्होंने अपनी आशीष में बनाई रख जो तेरे दास उस जगह से मेहनत करके आए ने प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उस जगह के उत्ते पिता ईमान विश्वास को होर वधाए प्रभु और लोग एक दृढ़वान नवे जामे को पाउन अपनी जिंदगी को तकते हुए प्रभु यीशु अपने आप को बदलन और तेरे वचन च होर दृढ़ हो जाए प्रभु और महान पिता तेरा शुक्र करते हैं होर जिन्हें देशों तेरे दास पिता से कोई कर रहा यूट्यूब के वसीले प्रभु महान पिता परमेश तेरे वचन के वसीले प्रभु फेसबुक के वसीले प्रभु उन्होंने आशीष बनाई रख प्रभु और लोग एक मान को बन लैन प्रभु तेरा शुक्र कर जो इंडिया की संगति है प्रभु उन्हें वीडी कृपा कर तेरा दास पिता पिता हैरी गिल पिता उत्ते वीडी कृपा कर सेव कर लैके बढ़ रहा उन होर बदन दे आने वाले सत्संग सत्संग दे प्रभु सारे इंतजाम और तेरा वचन पिता परमेश तेरा आत्मा बड़ी कसरत में जगह से काम करे और तेरा जलाल उस जगह से इस्तेमाल हो प्रभु महान पिता परमेश दास अपने फिनी दे वीडी कृपा कर आने दिन सू मिल जा रहे प्रभु उन्होंने आशीष दे और जिस जगह से सेवकाई कर रहे प्रभु सेवकों इस्तेमाल कर और महान पिता परमेश तेरा जलाल उन्होंने बनया रहे तेरा शुक्र कर रहे हैं तेरा शुक्र कर रहे हैं मेरे लिए दुआ करते हैं तंदुरुस्ती दे चुके हो ता शुक्र करते हैं और कलंबल से वही कृपा कर तंदुरुस्ती दे चुके हो ता धनवाद करते हैं ताे हजूर हमेशा दुआ हो रही तू करने वाला परमेश्वर है धनवाद करते तेरे दास तू तो चल के साथ आ चुके तेरा शुक्र करते हैं उन्होंने सलामती मांगते हैं प्रभु उन्होंने होर उनकी शक्ति सामर्थ भरपूर कर अपनी सेवका लिए इस्तेमाल हमेशा करता रहे प्रभु उन्होंने परिवार लिए तेरा शुक्र करता प्रभु और जिन्हें जाने तेरी हजूरी च बैठे ने प्रभु तेरी हजूरी च बैठ के प्रभु जी आनंद प्राप्त कर रहे हैं उस आनंद को पिता होर वधा इकट्ठिया तो आवाज ना आ सकन पिता मिलजुल हो के और तेरा धनवाद के बलिदान चढ़ाते रहन तेरे नाम को होर उच्चिया करते रहन प्रभु कल के सत्संग समय तेरे हाथ में देने प्रभु जिस भैन घर आ प्रभु उस भैन के हथा ही देने प्रभु सारे इंतजाम उस घर में हो तेरे नाम को होर उच्चिया कर सके अज की रात संभालो मिठी नींद दो सुपने च गलबात करो पिता खोलो साडी जिंदगी नू पिता परमेश्वर अपनी मर्जी अनुसार चलाओ प्रभु सारी महिमा ते वड़ाई तेरे नाम देने सारी संगत तेरे हाथ यीशु तेरा नाम लेके मंगदे हां हम साडे खुदा यीशु मसीह दा फजर खुदा बाप दी मोहब्बत पाक रूह दी संगत होण तक लेके हमेशा तक ओदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे आमीन।